सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से कहने जा रहे हैं द पाल वर्ल्ड। पर ये सब है एग इनक्यूबेटर, उनके अंदर जो मैंने एग्स लगा रखे हैं इनको हासिल करने के बहुत सारे तरीके मैं पहले बता चुका हूँ। एक बहुत ही ईजी तरीका है कि आप इनको ब्रीडिंग फार्म से ले सकते हैं, जब आप दो पोकेमोन को इसी तरह से ब्रीडिंग करने के लिए छोड़ देते हैं। भाई उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो है वो है केक। भाई केक बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, आज पूरी की पूरी वीडियो उसी बेस पे रहने वाली है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी केक बन रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं, बगल वाले पॉट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बनाने के लिए हमें चाहिए क्या। तो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बनाने के लिए हमें चाहिए आटा, रेड बेरी, मिल्क, एग और हनी। ये सारे आइटम आपको बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएंगे, पूरी वीडियो देख लेना आपको समझ में आएगा कैसे बनाना है। तो भाई ये है हमारी गाय, इससे हमें मिलेगा मिल्क। अभी देखना भाई दूध मिलता, उससे पहले उनको भूख लगी तो वो भाग लेंगे खाना खाने के लिए। तो बेसिकली ये है रेंच, दो बना रखे मैंने और इसके अंदर जो भी पोकेमोन जो भी चीज़ें देते हैं वो इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पर 174 मिल्क है और 408 हनी है। देख लो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ईजीली आपको मिल जाएंगी अगर आप ईजीली उन पोकेमोन को यूज़ करते हो। तो भाई केक बनाने के लिए हमें चाहिए आटा, एग, हनी, मिल्क और भाई लास्ट में जो बच गया वो है हमारा रेड बेरी। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पोकेमॉन्स चाहिए और फार्मिंग चाहिए। ये दोनों चीज़ें आप करोगे एक साथ। जैसे कि अभी हमने रेंच में रखा है बी गार्ड को। बी गार्ड इज़ द ओनली पोकेमॉन, आप ध्यान से देख लेना, बी गार्ड इज़ द ओनली पोकेमॉन इन द पाल वर्ल्ड जो हनी देती है रेंच में जाकर। अदरवाइज़ बाकी ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं जो अगर आप मार देते हो ना या हरा देते हो तो उनसे हनी गिरता है, वो एक या दो क्वांटिटी होती है। ये बी गार्ड जो है ये हर कुछ सेकंड के बाद एक हनी प्रोड्यूस करेगी, जैसे कि बहुत देर से नहीं कर रही है अभी ये करेगी। और भाई ये आई हनी की बॉटल, काफ़ी टाइम लगा आई नो, लेकिन आपको लग रहा है काफ़ी टाइम है। अगर आप कहीं दूसरी लोकेशन पे जाओगे कुछ पोकेमॉन्स के साथ खेलने के लिए तो 408 हनी बहुत ज़्यादा टाइम में इकट्ठा नहीं हुई है। एग के लिए आपको चाहिए चिकी भी को आप रेंच में छोड़ दोगे एग मिल जाएंगे, आटा प्लस बेरीज़। इनके लिए भाई मैं आपको बताता हूँ कि आपको फार्मिंग कैसे करनी है, मैं आपको लेके चलता हूँ मैं दूसरे बेस पर। और भाई दूसरे बेस को मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग के लिए। यहाँ पर मैंने वही पोकेमॉन छोड़े हैं जो भाई लाइक वाटरिंग कर सकते हैं, सीडिंग कर सकते हैं, बीज डाल सकते हैं। और भाई आप देख रहे हो 2741 बेरीज है मेरे पास, 186 लाइक गेहूँ है जिससे आटा बनेगा। भाई फिलहाल चलते हैं ऊपर, फार्मिंग आपको दिखाता हूँ पूरी। ये है मेरा पूरा रेड बेरी की फार्मिंग। यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वाटरिंग चल रही है अभी, इनकी सीडिंग हो चुकी है, उसके बाद फसल उगेगी, फिर पोकेमॉन्स इसको काटेंगे और वहाँ पे जाके रख देंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग खाते भी यही जो इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसको मुझे थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी एक इंग्रेडिएंट ज़्यादा खा जाता है। जैसे अभी आप सामने कर रहे हो, हाँ ये गेहूँ की फसल हो गई रेडी, और ये जो मेरा पोकेमॉन है राइट साइड में बूशी, ये वो पोकेमॉन है जिसका अगर आप देखोगे तो हैंड वर्क ज़्यादा रहेगा, हैंड वर्क उसका लेवल 3 पे है, तो ये ईजीली कटाई कर सकता है फसल की। तो यहाँ पर 89 आटा मेरे को मिल गया जो मैंने मिल में लगाया था, और गेहूँ से आप बना लोगे आटा इसमें डाल के। तो भाई अभी फ़िलहाल आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं कंप्लीट। आपको रेड बेरी मिल गई, आपको आटा मिल गया, आपको मिल्क मिल गया, आपको एग मिल गया और आपको मिल गया हनी। पांचों चीज़ें मिलने के बाद भाई आपको चाहिए इस टाइप का लेवल 3 का पोकेमॉन जिसके किंडलिंग लेवल एटलीस्ट 3 लेवल पे हो, आपने भी देखा। तो भाई ऐसे ही आप इनको दे दोगे केक बनने के बाद आप इन पोकेमॉन्स को पहले चेक कर लेना, दो पोकेमॉन्स रखना और उनको एक केक देना ताकि आपको पता चले एग जो मिलेगा किस साइज़ का मिलेगा। यहाँ से लार्ज एग मिला है और भाई इनसे मिला है मुझे ह्यूज एग का मतलब समझ लो कि बहुत बड़ा कोई पोकेमॉन मिलने वाला है एंड पोकेमॉन की पावर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो भाई इन तीन अंडों से मुझे पता चल गया कि ये चारों पोकेमॉन जो मैंने लगाए हैं ये काम के हैं और इनको और केक दिए जा सकते हैं। तो भाई मैंने 14 केक निकाले हैं यहाँ से जहाँ पर मेरी बेकरी चल रही थी, भाई उसमें से मैं 7 दे देता हूँ इन दोनों को आधे। और भाई यही 7 नेक्स्ट 7 जो बचे हैं ये मैं दे देता हूँ इनको और फिर आकर देखते हैं कि होता क्या है। और भाई ऐसी वीडियो बनाना है ना मेहनत बहुत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। और भाई जब वो वापस आओगे ना कुछ टाइम के बाद तो इनके रेंच, इनकी जो ब्रीडिंग फार्म है इस तरीके से भरे हुए मिलेंगे आपको। तो 5 लार्ज एग और भाई आई थिंक 5 ही ह्यूज डार्क एग मुझे मिले हैं जिसमें से कोई डार्क बड़ा ह्यूज पोकेमॉन निकलने वाला है। हट जाओ यार। हाँ तो भाई 10 अंडे मिल गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं, और जब आप इनको एग इनक्यूबेटर में लगा देते हो ना, जैसे कि अभी लगे हुए थे और भी लगा देते हैं,
और फिर जब आप थोड़ी देर बाद वापस आओगे तो आपको इस तरीके से बहुत सारे एग्स इंक्यूबेट हो चुके मिलेंगे और उसमें आपको मिलेगी अच्छी खासी पावर, और ये पावर आपकी हेल्प करती है लेवल इंक्रीज़ करने के लिए। तो भाई एग्स के लिए और लेवल इंक्रीज़ करने के लिए यही मेथड सबसे ज़्यादा काम का है पूरे पावर वर्ल्ड में, और अगर आप इस मेथड से करोगे ना कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। कुछ एग्स और इंक्यूबेट हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, एक लास्ट में है। तो गाइस वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ये तरीका आपके लिए वर्क किया कि नहीं किया। फिर मुझे मिली है कैटरस, कैटरस बहुत ही तगड़ी पोकेमॉन है और हाँ फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है यूज़ करने के लिए। यहाँ पर सेट नहीं है, सेट कर देते हैं। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड क्योंकि हमारा लेवल होने वाला है अब। आप सबसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हो गया भाई हमारा लेवल अप, तो भाई लेवल 35 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने घर वालों का रखो ध्यान और आप सबको राम राम, बाय बाय।